देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्रॉप करूंगा, देखेंगे क्या करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए प्लस बी, बी माइनस ए एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी, देन प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू ए वाई। कह रहा है कि अगर ये दोनों पॉइंट एक्स कॉमा वाई से इक्विडिस्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया, इसका कारण है नाइन्थ क्लास की एलजेब्रा की थोड़ी सी कम प्रैक्टिस। तो मैं पहले आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ वो फार्मूला क्या होता था। बच्चों आपको एक फार्मूला आया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता था बच्चों, ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी प्लस टू सी ए। ये फार्मूला हुआ करता था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्लास नाइन्थ का फार्मूला। ओके अब बच्चों देखो क्या होता है, कई बार ये लोग दे देते हैं ए माइनस बी प्लस सी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना इसको, इसको आप लोग क्या करो ए प्लस करो और माइनस बी को अकेला कर लो और प्लस सी का स्क्वायर। तो ऊपर वाला फार्मूला ही लगाना है, बट ऐसा लगाना है कि जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस बी पुट करो। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो भी बी स्क्वायर हो जाएगा और सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर आएगा। अब देखो टू इंटू ए और माइनस बी, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस टू ए बी, ये क्या बन जाएगा माइनस टू बी सी क्योंकि इसमें बी अकेला है, और ये बन जाएगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू सी ए कह लो या टू ए सी कह लो यही रहेगा। अभी आपने क्या देखा ए माइनस बी प्लस सी, अगर मैं कहूँ ए प्लस स्क्वायर लगाना भूल गया था ए प्लस बी माइनस सी, तो इसको कैसे देखोगे, इसको देखोगे ए प्लस बी और प्लस का माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो क्या होता है, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, प्लस सी की जगह माइनस सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही आएगा, फिर टू ए बी और प्लस टू बी सी, तो सी की जगह क्या आएगा माइनस सी, तो उसको माइनस कर देगा माइनस टू बी सी और टू सी ए, तो क्या बन जाएगा माइनस का टू ए सी बस। तो अगर आपको ये बनता है तो आपको इसमें प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, इसी कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। हाँ अगर कोई दो माइनस हो तो भी ठीक है, लो एक काम करो दो माइनस कर लो आप, ठीक ना, आप जो है दो माइनस कर लो, कैसे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर। मैंने ज़बरदस्ती माइनस बी माइनस सी लिख दिया, तो एक्चुअली इसको मतलब बी स्क्वायर ही हो जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऐसे देखोगे ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस सी का स्क्वायर, तो देखो सॉरी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर देखो क्या आएगा टू ए बी, तो ए है प्लस बी है माइनस, इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे माइनस टू ए बी। फिर क्या आएगा बी सी, तो बी भी माइनस है सी भी नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस दो बार प्लस बन जाएगा तो टू बी सी, और फिर ए है प्लस और सी है माइनस तो माइनस टू ए सी। बच्चों बोलो समझ में आई है नाइन्थ क्लास की अलजेब्रा की नहीं आई? उसी कंसेप्ट पर बेस पूरा का पूरा ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का नाम है एक्स कोमा वाई, इससे कुछ दूर पर एक पॉइंट है इसका नाम ए दे दो, ए के कोऑर्डिनेट क्या है ए प्लस बी और बी माइनस ए, और दूसरा पॉइंट क्या है इसका नाम बी दे दो, इसके कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके क्या कह रहा, पी ए की दूरी जितना पी ए है उतना पी बी है, पी कह रहा इक्विडिस्टेंट मतलब पी की ए से दूरी पी की बी से दूरी के इक्वल है, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो जितनी पी की दूरी ए पे है उतनी पी की दूरी बी पे है, सो पी ए का डिस्टेंस इक्वल्स टू पी बी का डिस्टेंस। सो नाउ सॉल्व दिस, पी ए लेट्स सी हियर व्हाट इज दिस, इज एक्स एंड दिस इज ए प्लस बी, सो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो या मोर बेटर यार इसमें से इसको माइनस कर लो, सो आई वुड गो विद ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू क्या बी माइनस ए और माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा, इधर देखो ए माइनस बी एक्स टू माइनस एक्स वन, ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो एग्री क्यों नॉट एग्री, अच्छे से देख लो, ठीक है बेटा क्लियर ना? यस सर। ओके अब देखो बच्चों,
अब आपको इसमें वही फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का और कुछ भी नहीं किया। तो स्क्वायर लगाने से रूट हट जाता है, तो हट गया। अब इसको थोड़ा क्रॉप कर लूँ क्योंकि मैं अगली स्लाइड पे चल रहा हूँ, वहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ये लो आ गए अगली स्लाइड पे। चलो जी ओपन करें। ए प्लस बी माइनस एक्स अभी बताया मैंने, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस एक्स है तो मन की आंखों से क्या देखेंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अपना ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या खुलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। फिर ये दोनों के जोड़े तो टू ए बी, और ये देखो अभी ए प्लस है और एक्स माइनस है, तो क्या आएगा लास्ट वाला माइनस टू ए एक्स, और इसका जोड़ा कितना आएगा माइनस टू बी एक्स। बोलो बच्चों क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर सर। अब अगला देखो यस सर, बी स्क्वायर। हाँ अब इसको ऐड करेंगे प्लस, ये प्लस लगाया बी स्क्वायर, हाँ प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो माइनस माइनस वाले भी प्लस ही होगा ये दोनों। अब ध्यान से देखना ये और ये, तो ये बी है और ये माइनस है तो नेगेटिव आएगा माइनस टू ए बी, क्योंकि बी है ए है नेगेटिव आ गया। फिर किसके साथ कर दो, वाई के साथ, बी क्या वाई के साथ, तो वो भी नेगेटिव है माइनस टू बी वाई। अब देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस टू ए वाई। चलो इधर का खत्म हो गया कार्यक्रम, इधर आ जाओ। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या आएगा ए और माइनस बी, तो नेगेटिव एक प्लस एक माइनस मतलब नेगेटिव, ये भी माइनस है मतलब पॉजिटिव, प्लस टू बी एक्स, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है मतलब माइनस का टू ए एक्स, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी बी वाई माइनस टू बी वाई एंड ए वाई, तो माइनस टू ए वाई सारे हो गए ना, हाँ हो गए। चलो काटो हमला, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, कहाँ से, इधर से। देखो यहाँ पे एक बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, इधर पे एक बी स्क्वायर है, इधर पे बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक कैंसिल हो गया। इधर पे कौन बैठा आप देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर गया इधर का, ये इधर का गया, ये इधर का वाई स्क्वायर गया, ये इधर का वाई स्क्वायर गया, और कौन बच गया, ए स्क्वायर बच गया, ये इधर का एक ए स्क्वायर बच गया, और कहाँ हो तुम, कहाँ हो, अरे ये है, ये छिपा, ये छिपा है, मिल गया, हाँ ए स्क्वायर। चलिए सब कुछ सिंपल हो चुका है, अब हमारी बारी बच्चों जी। देखो प्लस टू ए बी, अलग कलर से करूँगा, ये देखो प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, एक ही साइड है कैंसिल हो गए, है ना, और कोई है क्या, कोई नहीं है। देखो इधर पे कौन है, यहाँ पे है प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो लिख दो, माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस टू बी वाई प्लस टू ए वाई इक्वल टू प्लस टू बी एक्स माइनस टू ए एक्स, अरे वाह माइनस माइनस सेम टू सेम कैंसिल हो गए, इक्वल के दोनों तरफ माइनस टू बी वाई, अरे वाह ये कैंसिल हो गए माइनस टू ए वाई माइनस टू ए वाई। चलो अब कुछ कैंसिल नहीं होगा बच्चों जी, अब क्या करो बच्चों, ये देखो क्या क्या बचा अपने पास, इधर बचा है माइनस टू बी एक्स प्लस टू ए वाई, इधर क्या बचा है, इधर बचा है प्लस टू बी एक्स प्लस नहीं माइनस टू ए वाई। एक काम करो टू ए वाई को इधर से इधर ले आओ, क्यों सर, क्योंकि टू ए वाई एक पहले से ही है और एक टू ए वाई और आ जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और यहाँ पे टू बी एक्स है, उधर से टू बी एक्स आएगा माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस टू बी एक्स, टू ए वाई टू ए वाई, टू प्लस टू होता है फोर, फोर ए वाई इक्वल टू टू प्लस टू फोर बी एक्स, फोर से फोर कैंसिल, आंसर हो गया ए वाई इक्वल टू बी एक्स। चेक करते हैं, बिल्कुल सही, ए वाई इक्वल टू बी एक्स, हाँ यही तो प्रूफ करना था। देख लो बच्चों बी एक्स इक्वल टू ए वाई लिखा है ना, तो इसको पलट के मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, नो प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो केवल और केवल एलजेब्रा है नाइन्थ क्लास की, जिससे बन गई वो बढ़िया बात है,
है ना जी, 9th क्लास की अलजेब्रा का कमाल है और कुछ भी नहीं है। चलो अब एक और कंसेप्ट बचता है बच्चों जो हम आपको बता रहे हैं, वो है, कल मैंने बताया था आपको एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इसको मैं भेज दूंगा बच्चों, इसको आप आराम से नोट कर लेना, कल भी भेजी थी आज भी भेज दूंगा। अब एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक ना। तो मैंने कल बताया थे कि वेरियस टाइप के शेप आपको प्रूफ करना हो कि रेक्टेंगल है, ट्रेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, कुछ भी प्रूफ करना हो, राइट एंगल ट्रेंगल हो, उसमें आप लोग प्रूफ करते हैं कि वो पॉइंट जो है मतलब डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब एक और प्रूफ है इसका जो आज क्वेश्चन आया था, वो क्या है, प्रूफ ऑफ कोलिनियरिटी। लिख लो कॉपी में, प्रूफ ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कोलिनियर हैं इस बात का हम दावा पेश करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए बच्चों, ये मान लीजिए बच्चों एक पॉइंट ए है, इसके पोजीशंस हैं x1, y1 जिन्हें हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक पॉइंट बी है जिसकी पोजीशन है x2, y2, और एक पॉइंट है सी जिसकी पोजीशन है x3, y3। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो यकीनन 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 100% ए बी का सम, डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस बी सी के सेगमेंट के सम को अगर आप जोड़ दोगे तो बताओ पूरे सेगमेंट ए सी के सम के इक्वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। यस सर, यस सर, यस सर, ये पार्ट का सम पूरी लेंथ के इक्वल तो होगा, यस और नो? यस यस सर। हाँ, तो कंडीशन क्या बन गई कोलिनियर होने की, इफ द लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट विल इक्वल टू द थर्ड सेगमेंट देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों कॉपी में लिखो, इफ द लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट, इफ द लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ही लिख लो, सब लोग जानते हैं कि लाइन सेगमेंट ही होगा। इफ द लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट, इफ द सम ऑफ लेंथ, सॉरी सम लिखना भूल गया था, इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड सेगमेंट देन देन दीज 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, देन दीज 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर कहलाएंगे, तो जो 3 पॉइंट होंगे वो कोलिनियर कहलाएंगे। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल। सर हाँ सर बोलो सर, एक बार रिपीट कर दो। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट, इफ द यस सर, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड सेगमेंट, लेंथ ऑफ थर्ड सेगमेंट देन The 3 points are said to be collinear. Then the 3 points are said to be collinear. तो यस सर डन होंगे बच्चों को कोलिनियर कहलाएंगे। आइए इस बात पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन जो देखा था आपने, क्वेश्चन नंबर 18 था ये वाला क्वेश्चन, देखिए, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो करना है कि कोलिनियर है, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला आपको शो करना है कि कोलिनियर है। तो देखिए 3 पॉइंट है, तो एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट सी ले लिया। तो एक पॉइंट ले लिया ए, ए का नाम ले लिया क्या 1, -1। बी क्या ले लिया 5, 2। सी क्या गिवन है 9, 5। अब 3 सेगमेंट डिस्क्राइब करो आप। 3 सेगमेंट कौन कौन से बन गए, पहला ए बी बन गया, ए बी की लेंथ कितनी आई बच्चों 5। फिर बी सी बन गया, बी सी की लेंथ कितनी आई 5। और फिर तीसरा सेगमेंट की लिस्ट, ये भी बी सी निकाला था, फिर इन दोनों का यूज़ करके क्या निकाला ए सी, वो कितनी आ गई 10। अब चेक करो कि क्या किसी दो का सम तीसरे के इक्वल है। हाँ सर, ऊपर वाले 5 और नीचे वाले 5 का सम इस 10 के इक्वल है, मतलब पक्का पहले ए पॉइंट बैठा होगा, फिर बी पॉइंट बैठा होगा और फिर सी पॉइंट बैठा होगा। तो ए बी भी 5 का है, बी सी भी 5 का है, और ये टोटल ए सी कितने का है 10 का है। तो 2 का सम अगर तीसरे के इक्वल है इसका मतलब दिस पॉइंट आर कोलिनियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हम्म,
So if the sum of the two segment equal to the third segment, then the two points are said to be collinear. Done बच्चो, clear? बन जाएगा, कर लोगे ना अब? Yes sir. Okay. चलिए अब कुछ बात और करते हैं. देखिए बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा, कल बताना था भूल गया था. ये पॉइंट होता है 0,0. x एक्सिस में जो पॉइंट आता है उसमें केवल आप लेंथ ट्रेवल करते हो, हाइट तो ट्रेवल करते नहीं हो. तो लेंथ का कोऑर्डिनेट बस चेंज होता है, वाई का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, क्योंकि लेंथ ही बस ट्रेवल कर रहे हो. एक कदम, दो कदम 2,0, तीन कदम 3,0, ज़्यादा ही हो गया 3,0, चार कदम 4 यूनिट 4,0. तो आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में वाई का कोऑर्डिनेट जीरो बना हुआ है. तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए आपसे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो बच्चों याद रख लो वाई इक्वल टू जीरो. और x एक्सिस का जनरल जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, x कॉमा जीरो, क्योंकि इसमें x तो बदलता रहता है बट y हमेशा जीरो रहता है. तो लिख लो बच्चों, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें y हमेशा जीरो रहेगा. अब इस वाले में आ जाइए, देखिए ये वाला पॉइंट क्या होगा. ये पॉइंट होगा 0,1, ये होगा 0,2, ये होगा 0,3. तो इनमें देखिए इसमें क्या कॉमन है, x कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये y एक्सिस का इक्वेशन है. तो y एक्सिस की इक्वेशन लिख लो, y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू जीरो. उल्टा चलता है, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू जीरो और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू जीरो. x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू जीरो और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू जीरो. डन? चलिए अब देखिए कुछ नई चीजें बताई जाएं. आज का टॉपिक है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, या इसी को बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला. हिंदी में बोलते हैं बंटवारे का फॉर्मूला. इसमें होगा बंटवारा, ठीक है ना. क्या है इसमें बंटवारा होना है. देखो कैसे बंटवारा होना है बच्चों. ये मान लो आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, इसका एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन और दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू. मान लो स्वास्तिक के पास कोई स्केल है और स्केल की लेंथ जो है, लेंथ से मतलब नहीं है मगर फिर भी मैं दे देता हूँ तुमको समझ में आया ज़्यादा. मान लो स्केल की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर लेंथ है स्केल की, बड़ा वाला स्केल 30 सेंटीमीटर का है. अब स्वास्ति का भाई आ गया, उसने कहा कि दीदी मुझे भी स्केल की ज़रूरत है, तुम्हें भी ज़रूरत है, एक काम करो इस स्केल को तोड़े लेते हैं. तो अच्छी स्वास्ति ने बोला अच्छा कैसे तोड़ दें. तो बोलेगा तुम ऐसा तोड़ो इस स्केल को कि मुझे इस स्केल के मिल जाए 5 हिस्से और तुम्हें मिल जाए 6 हिस्से. मुझे कितने मिल जाए, 5 हिस्से और तुम्हें मिल जाए 6 हिस्से, ठीक ना. अरे ये क्या बात हुई, मतलब वो कह रहा है कि इस स्केल को तुम ऐसे तोड़ो कि मेरे खाते में आ जाए इसके 5 पार्ट और मेरे खाते में आ जाए, तुम्हारे खाते में आ जाए इसके 6 पार्ट. मतलब अब वो इस स्केल को 5:6 में ब्रेक करना चाहता है, 5:6. ऐसा करने के लिए आपको स्केल को टोटल कितने पार्ट का मानना पड़ेगा, 5+6 यानी 11 पार्ट का. मतलब आपका स्केल जब 11 पार्ट का होगा तब आप इसको मान के तोड़ पाओगे. मतलब पूरा स्केल आप 11 पार्ट में समझ लोगे और 11 पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5 ये पार्ट तोड़ दोगे, ले छोटे जा यहाँ से, है ना. तो ये जो बनेगा अपना, आपका जो यहाँ तक का पार्ट बनेगा 11 पार्ट में से 5 पार्ट, वो आपका स्केल होगा, ये होगा, ठीक है ना. तो उसकी लेंथ कैसे निकालोगे, ये रेशियो वाला क्लास 8th में करा होगा. टोटल लेंथ 30 इंटू आपको कितने पार्ट चाहिए हैं, 5 पार्ट चाहिए छोटू को, कितने पार्ट में से, 11 पार्ट में से. टोटल पार्ट 11 है, 11 में से 5 चाहिए, तो 5 आउट ऑफ 11 उसको चाहिए, 5 आउट ऑफ 11 कितने का, 30 का. एक काम करो स्केल 33 सेंटीमीटर की ले लो तो अपना थोड़ा काम सरल हो जाएगा, 33 ले लो. अब स्केल अपनी 30 की नहीं है, 33 की है. 11 3 is 33 तो आप क्या करोगी, 15 सेंटीमीटर की छोटू को स्केल पकड़ा दोगी, जाओ छोटू बाय बाय, 15 सेंटीमीटर की तुम स्केल ले लो. अब अपने पास कितनी गई भाई, 33 में से 15 चली गई,
तो जो बची वो आपकी, तो आपके पास उसके पास पांच पार्ट चले गए, तो आपके पास कितने पार्ट बचे? आपके पास बटे छः पार्ट, सिक्स सिक्स पार्ट। तो वो के निकालना हो तो या तो आप चाहो तो माइनस कर लो, 33 में से 15 माइनस कर लो, 15 13 में से कितना, 18 18 सेंटीमीटर। एक तो तरीका ये है, नहीं तो दूसरा तरीका, 33 टोटल थी, छोटू ले गया पाँच, मेरे को कितनी मिली, छः आउट ऑफ कितना, 11, तो 11 थ्री या 33, तो आंसर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर स्वास्थी को मिलेगी स्केल। तो अभी तक क्या थी, लेंथ को आप डिवाइड कर रहे थे क्योंकि आपके पास डिस्टेंस थी, अब आपको डायरेक्टली ये पॉइंट दिया रहेगा। अब वो छोटू जो है वो कह रहे दो पॉइंट लेके आएगा कि ये पॉइंट है 3.5 और ये पॉइंट है 7.9, ठीक है ना। चेंज कर देते क्वेश्चन को, चॉकलेट मान ली, एक चॉकलेट बार है ये, चॉकलेट बार है। अब इसको छोटू कह रहा है कि मुझे ये तोड़ के दो और मुझे उस पॉइंट से तोड़ के दो जिससे मेरे हिस्से में आए चार पार्ट और तुम्हारे हिस्से में आए कितने पार्ट, मेरे हिस्से में आ गए चार पार्ट और तुम्हारे हिस्से में आए सेवन पार्ट या फाइव पार्ट, ये लो। मतलब आपको उस पॉइंट से ब्रेक करना है जहाँ से ये 4:5 के हिस्से में तोड़ दे, तो आपको ये पॉइंट निकालना है पी, दिस इज अननोन पॉइंट। अननोन पॉइंट को हम बोलते हैं पी एक्स कॉमा वाई। तो इसके लिए फॉर्मूला नोट करेंगे कैसे, एक पॉइंट रहेगा एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरा पॉइंट रहेगा क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू, ओके, दिस इज पी एक्स वन कॉमा वाई वन। नाउ ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट सम व्हाट इज पी पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई, कितने रेशियो में तोड़ रहा, कुछ भी हो सकता है, सो वी कैन से द रेशियो एम वन रेशियो एम टू। अब एम वन रेशियो एम टू कुछ भी ले लेना यार, जो क्वेश्चन में दिया हो, 2:3, 4:5, 6:7, कुछ भी ले लेना। सो एम वन रेशियो एम टू में ब्रेक करने वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हमको क्या चाहिए है, एक्स चाहिए है और हमको क्या चाहिए, वाई चाहिए है। तो आइए इन एक्स और वाई का फॉर्मूला देख लीजिए, एक्स और वाई का फॉर्मूला, ये वाला रेशियो पहले एक्स टू के साथ भिड़ेगा, तो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। सेकेंड, फिर सेम यही काम वाई के लिए करना है क्योंकि वाई भी चाहिए है, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। हाँ, क्योंकि पॉइंट बीच में आके बैठा हुआ है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे ये कहलाता है इंटरनल डिवीज़न, दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीज़न। अगर पॉइंट खुद लाइन के बीच में कहीं पर आके बैठा हो, बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं पर लाइन के इन बिटवीन ए टू बी, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल डिवीज़न। आओ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो आपको मैंने दिया, इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे अपने पास है x पॉइंट निकालना है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, x इक्वल टू m1 क्या है, यहाँ पे ये m1 बन गया, 4 बन गया m1 और 5 क्या बन गया m2। तो फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू, देखो 4 है, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5। नाउ वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू, इसको सॉल्व तो कर दो जी, एक्स इक्वल टू 4 7 जा 28, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 9, 28 और 15 को ऐड कर दो, 8 और 5 13, कैरी आई 3 नहीं कैरी आई 1, और 2 1 3 1 4 43/9। तो जो जहाँ से आप ब्रेक कर रहे हो ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, 43/9। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, यहाँ लिख देता हूँ, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। सो एम वन कितना है, 4 है, वाई टू इस बार कितना है, 9, सो 4 9 जा 36, इधर वाला रेशो इस पॉइंट के साथ, 4 9 जा 36 प्लस 5 इंटू 5 25, 5 5 जा 25 अपॉन रेशियो का सम, 4 प्लस 5 कितना, 9, तो 36, 6 और 5 11, 1 आ गई कैरी, 3 2 5 1 6 61/9। सो बच्चों पॉइंट क्या हो गए, ब्रेकिंग पॉइंट 43/9 एंड 61/9। बोलो समझ में आया,
सर। ओके, सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसीजर। आप इसमें डिवीजन करके सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पॉइंट निकालना है। तो दो प्रॉब्लम इस तरीके की सिचुएशन में आपके पास बनेंगे। एक, रेशियो दिया हो तो पॉइंट निकाल लो, तो अननोन पॉइंट एक्स वाई मान लेना। दूसरा, अगर पॉइंट दिया है तो रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आपको पॉइंट गिवन रहेगा तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, उस समय आप अननोन रेशियो एम वन एम टू मान लेंगे। चिंता नहीं करो, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो कम बैक, इसको मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना? तो मेनली फार्मूला नोट कर लो आप लोग, जो मेन फार्मूला है वो फार्मूला ही है सब कुछ इसमें। ओके, ये फार्मूला नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से कॉपी में फार्मूला नोट कर लो। एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू एंड एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये फार्मूला है। डन सर। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे ये इंटरनल डिवीजन है क्योंकि पॉइंट पी जो है अंदर बैठा हुआ है लाइन सेगमेंट के। अगर यही पॉइंट पी बाहर बैठा होता कहीं पर, तो दैट वेराइटी ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। तो उस समय ये डिवीजन कहलाता, ये सेक्शन कहलाता, एक्सटर्नल सेक्शन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो उस समय क्या फ़र्क पड़ता, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में बच्चों आपको प्लस दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन माइनस एम टू एंड एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन अपॉन एम वन माइनस एम टू। तो आपका फार्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल सेक्शन और एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल सेक्शन और एक्सटर्नल डिवीज़न। डन, क्लियर सभी को? यस सर। ओके सर, चलिए देखिए स्क्रीन पर ही सभी लोग। अब इसमें एक प्रॉब्लम और बनती है कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकालने के लिए, कि पूछता है कि बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या है। तो मिड पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी मेथड नहीं है। देखिए अभी तक आपके पास क्या हो रहा था, अभी तक आपके पास ये हो रहा था कि एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू आपके पास पॉइंट था, और आप जो है आपको ब्रेकिंग करने वाला जो रेशियो था वो अलग अलग था, एम वन एम टू, और एम वन एम टू दोनों अलग अलग थे इसलिए तो एम वन और एम टू लिखा था। बट अब मिड पॉइंट के लिए मतलब जितने हिस्से इधर उतने हिस्से इधर, मतलब सीधी सीधी बात क्या होगी, एम वन और एम टू दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यदि इस फॉर्मूले को मैं फिर से लगाऊं, ब्रेकिंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स की मैं डिमांड करता तो क्या याद होगा आपको, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, सॉरी एक्स के लिए चाहिए था फिर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ से एम वन एम टू दोनों इक्वल है, एक काम करो एम वन ही रख दो या एम टू ही रख दो, तो एम वन की जगह एम वन रहे तो एम वन एक्स टू और एम टू की जगह भी एम वन कर दो। क्यों? क्योंकि यार दोनों इक्वल है ना इस समय, तो दोनों इक्वल है, रेशियो बराबर बराबर ना, तो दोनों रेशियो इक्वल होंगे, जितना हिस्सा इधर उतना हिस्सा इधर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, यहाँ भी एम वन कर देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, एम टू एक्स वन की जगह एम वन एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी एम वन प्लस एम वन, मतलब दोनों इक्वल हो गए रेशियो कुल मिला के। तो देखो ध्यान से क्या है, यहाँ से एम वन कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स वन प्लस एक्स टू और नीचे एम वन प्लस एम वन कितना बन गया, टू एम वन। तो बच्चों एम वन से एम वन कैंसिल, तो कोऑर्डिनेट एक सिंपल सा आ गया जैसा मन करता हम लोग का, मिड पॉइंट दोनों का बीच का बंदर, ये देखो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो बच्चों बना लो कॉपी में, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। सर प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखो भाई दोनों में फॉर्मूला जो अपन लगा रहे थे, एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन एम टू था मेन फॉर्मूला। यस सर। अब उस समय क्या था, रेशियो अनुप दोनों एम वन एम टू अनइक्वल थे, तो अनइक्वल थे तो एम वन कुछ अलग था एम टू कुछ अलग था। अब इसमें दोनों में रेशियो क्या है, इक्वल है ना। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जितना आपके पास उतना मेरे पास, तभी तो मिड पॉइंट मिलेगा। तो M1 M2 दोनों की इक्वल कर दो, मतलब जहाँ M1 है वहाँ M1 रहने दो, जहाँ M2 है वहाँ भी M1 कर दो। तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, M1 X2 प्लस M2 X1 की जगह M1 X1 अपॉन M1 प्लस M1 मतलब 2M1। तो क्या हो गया, yes, M1 कॉमन आ गया, X1 प्लस X2 नीचे बन गया 2M1, M1 से M1 कैंसिल मतलब X1 प्लस X2 by 2। सिमिलरली Y करके निकाल लोगे तो आंसर क्या आएगा, Y1 प्लस Y2 by 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, X1 प्लस X2 अपॉन 2 एंड Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। क्लियर है? यस सर। चलो नोट कर लो। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2।
चलिए सभी लोग आइए वापस, देखिए अगला कंसेप्ट लिखिए बच्चों, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगला कंसेप्ट लिखिए सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। क्या सुन के मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि सर सेंट्रॉइड मत बोलो, सेंटर बोलो, सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। हाँ तो एक्चुअली है ये सेंटर ही है ट्रायंगल का, मगर क्या होता है बच्चों आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे कि ट्रायंगल के कई सेंटर होते हैं, उनमें से एक ट्रायंगल का सेंटर कहलाता है बच्चों सेंट्रॉइड। तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल की। तो सेंट्रॉइड क्या होता है पहले इस चीज को समझे बच्चों, लिख लें कॉपी में व्हाट इज सेंट्रॉइड। तो क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है बच्चों, जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, देखिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल बना है, मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल आपने बना दिया, ये ट्रायंगल ए बी सी है बच्चों। ए ए के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू वाई टू, और सी के कोऑर्डिनेट हैं एक्स थ्री वाई थ्री। तो बच्चों जो ये ट्रायंगल की ट्रायंगल के एंड से वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर मीडियन, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं बच्चों, मीडियन, मीडियन मतलब सामने वाली साइड को एग्जैक्टली दो पार्ट में ब्रेक करने वाली लाइन। ये देखो इसने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, तो इस मीडियन का नाम क्या मान लिया, बी डी ए डी। इसने सामने वाली को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये देखो इसको जितने में इसको ब्रेक किया उतने में इसको, इसका नाम मान लो आप डी एम मान लो, और यहाँ से एक और मीडियन आ गई, ये आ गई सी एफ, इसने भी सामने वाली साइड को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो बच्चों ये जो मीडियन जहाँ पे आपस में भिड़ती है ना, ये जो कट पॉइंट होता है ना, ये कट पॉइंट कहलाता है बच्चों सेंट्रॉइड। इसको अपन जी से डिनोट करते हैं, तो सेंट्रॉइड जी होता है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट लिख दो बच्चों, तो अगर ट्रायंगल के ये जो कोने हैं एक वर्टेक्स बोलते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री हैं, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट जी जो निकलेंगे वो निकलेंगे बेटा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री। सो वॉट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को डिफाइन कैसे करोगे, सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। लिख लो कॉपी में इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस। तो जो मीडियंस होती हैं, मीडियन होती है ना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। मीडियंस, मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली साइड को दो पार्ट में तोड़ती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। डन, क्लियर हुआ, बोलो क्लियर? यस सर। हाँ तो आपको यस सर एग्जाम में आपको पूछेगा जी की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो आपको एक पॉइंट दे देगा तीनों का और आपको जी की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा कि इसका सेंट्रॉइड निकालो, ठीक है। ये जी इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये जी के पोजीशंस है बेटा। भाई दो पोजीशन आएगी ना, एक एक्स की पोजीशन आएगी और एक वाई की पोजीशन आएगी, तो ये जी की एक्स पोजीशन है और ये जी की वाई पोजीशन है, ये मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, ये जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जी पॉइंट है, समझ गए। जैसे ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखता हूँ एक्स वन वाई वन, ऐसे जी के कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे वो ये निकलेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये जी के पोजीशंस हैं, ये एक्स पोजीशन है और ये वाई पोजीशन है। डन, यस सर। बता देता हूँ, देखिए अगला कंसेप्ट क्या है बच्चों, अगला कंसेप्ट है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स इज गिवन। मतलब आपको एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स गिवन है। तो मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए एक्स वन कॉमा वाई वन, बी एक्स टू कॉमा वाई टू एंड सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। पहले क्या होता था, आप लगाते हो फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, तो आपके पास बेस होता था, हाइट होती थी, तब आप लगाते थे। बट अब ना बेस है ना हाइट है, कुछ भी गिवन नहीं है, बस ये तीन क्वाड्रेंट्स गिवन है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, इसका तो इसका एरिया निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला है, आपको बस याद करना है, वो भी याद नहीं करना है, वो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। देखिए सो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, देखिए ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री। तो एरिया का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, क्या देखो वन बाई टू तो लगाओगे, याद रहेगा वन बाई टू, कैसे बेस इंटू हाइट वन बाई टू। अब क्या करो ट्रिक के लिए, यहाँ पर लिख लो एक्स वन और ब्रैकेट बना दो
आगे लिख दो एक्स टू, ब्रैकेट बना दो, आगे लिख दो एक्स थ्री, ब्रैकेट बना दो, बस गिनती लिखना आपको। सर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कहाँ है? अरे बेटा दिया ना आपको, ये देखो ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, और बस अब अंदर वाई को सिस्टमेटिकली गिनती जैसे लिखना है, गिनती। वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, वन टू थ्री है ना, ऑर्डर में चलते जाना है। तो देखो ये वन है ना, इसके बाद क्या आएगा, टू आएगा, तो वाई टू माइनस वाई थ्री, ये टू है, टू के बाद क्या आएगा, थ्री आएगा, थ्री के बाद फिर घूम जाओ तो वन आएगा, यहाँ क्या है थ्री है, थ्री के बाद कौन आएगा, वन आएगा, और फिर चले जाओगे तो टू आएगा। नोट करिए, सो दिस इज द एरिया फॉर द, अब वो नीचे वाला फॉर्म मत लिखना, इसको ओपन करने से कोई फायदा नहीं आपको, तो ये वाला कोई यूजलेस है, नीचे वाला कोई काम का नहीं है, आप सीधे ऊपर वाला देख लो एरिया। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू दिस, वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, एंड एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। तो बस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिख लो, फिर उसके बाद गिनती करना है, वन के बाद टू थ्री, टू के बाद थ्री वन, और थ्री के बाद वन टू, उसी ऑर्डर में आपको वाई को अरेंज कर देना, दैट इज योर आंसर। डन? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। ओके।